नमस्कार। त्रिपुरा विधानसभा का चुनाव 16 फरवरी को अत्यंत उत्सव के रूप में संपन्न हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निगरानी में और मार्गदर्शन में चुनाव प्रक्रिया शांततापूर्ण तरीके से पूरी हो गई। इस चुनाव की मतगणना 2 मार्च को होनी है। चुनाव एक से नियुक्त 60 ऑब्जर्वर के निगरानी में 21 लोकेशन में काउंटिंग की प्रक्रिया होगी। काउंटिंग के लिए सभी तैयारियां की जा रही है, जैसे काउंटिंग हॉल, काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति, काउंटिंग हॉल के अंदर और काउंटिंग हॉल के बाहर सभी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से कैंपेन के दौरान और चुनाव के उपरांत राज्य में शांति प्रस्थापित है, उसी तरीके से मतगणना के बाद भी राज्य में शांतता रहे, इसलिए हमने हर स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, विधानसभा क्षेत्र स्तर पे और पोलिंग स्टेशन स्तर पे सभी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट और स्थानिक लोगों के साथ बैठक की है, शांति सभा की है। हमने सबको अपील की है कि इस चुनाव के नतीजे जो भी हो, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत देने का अधिकार है, हमारे संविधान ने यह अधिकार दिया है। जो भी नतीजे हो वो पब्लिक ओपिनियन का रिफ्लेक्शन है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति के खिलाफ, कोई भी परिवार के खिलाफ या प्रतिष्ठान के खिलाफ कोई नुकसान करेंगे तो उस मतदान का, उस मताधिकार का अपमान होगा। त्रिपुरा राज्य का पूरे देश में और विश्व में एक सुनाम है। राज्य का इतिहास, गौरवपूर्ण संस्कृति, भाषा, यहाँ का संगीत, कला, ये सभी पूरे विश्व में जानी जाती है। राज्य के युवा देश के अनेक हिस्सों में आईटी और अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। इस चुनाव में हमने देखा कि सुरक्षाकर्मी के नाते, ऑब्जर्वर्स के नाते, राजनीतिक दलों के नाते देश के हजारों लोग त्रिपुरा में आए थे। राज्य में चुनाव के उपरांत किसी भी तरह की हिंसा होती है, त्रिपुरा का जो सुनाम है वो खराब हो जाएगा। इसलिए आओ हम सब मिलके दृढ़ निश्चय ले लें कि चुनाव के बाद किसी तरह की हिंसा नहीं होगी। कोई भी हिंसा में भाग नहीं लेगा और कहीं भी हिंसा होने नहीं देगा। अगर कोई समस्या है तो आप वोटर हेल्पलाइन में फ़ोन करिए, एसडीएम ऑफिस में आपकी कंप्लेंट दर्ज करिए या पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करिए। प्रत्येक कंप्लेंट के ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मैं फिर से राज्य के सभी त्रिपुरावासियों को अनुरोध करता हूं कि जिस तरीके से हमने पिछले 2-3 महीनों से राज्य में शांतता बनाए रखी, उसी तरीके से चुनाव के उपरांत भी हमारे राज्य में शांति बनी रहे, यही हमारा सबका दायित्व है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और निर्वाचन दफ्तर को इस चौरंग के दौरान सहयोग करने के लिए मैं सभी राजनीतिक दल, सभी कैंडिडेट्स, चुनाव कर्मी, अधिकारी एवं मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से हमने इस इलेक्शन के दौरान किसी प्रकार की हिंसा नहीं होने दी, नतीजे के उपरांत भी राज्य में कोई हिंसा नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद।